वेलकम टू एग्जाम आईक्यू एडुकेशन। इस वीडियो में देखते हैं जनवरी 2019 के टॉप 50 करंट अफेयर के सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं जनवरी टॉप करंट अफेयर के सवाल। तो पहला सवाल, हाल ही में नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में सुधीर भार्गव को नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, सुधीर भार्गव को। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में हाल ही में किसे नामित किया गया है? आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में हाल ही में स्मृति मंधाना को नामित किया गया है। अगला सवाल, हाल ही में चेंजिंग इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? हाल ही में चेंजिंग इंडिया पुस्तक मनमोहन सिंह ने लिखी है। सही आंसर है मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह पे ये बेस्ट किताब है एक्सीडेंशियल प्राइम मिनिस्टर, जिसको संजय बारू ने लिखा है। अगला सवाल, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में बीके यादव बने हैं। इसने सुनील लोहानी का स्थान लिया है। तो रेलवे बोर्ड के अब नए चेयरमैन हो गए हैं बीके यादव। अगला सवाल, हाल ही में एक्सिस बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब एक्सिस बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में अमिताभ चौधरी को नियुक्त किया गया है, जो 1 जनवरी 2019 से पदभार संभाल लिए हैं। तो एक्सिस बैंक के नए एमडी और सीईओ अब अमिताभ चौधरी हैं। अगला सवाल, किस देश ने हाल ही में पक्षपात का हवाला देते हुए यूनेस्को को छोड़ दिया? हाल ही में अमेरिका और इजराइल ने यूनेस्को की सदस्यता से छोड़ दिया है। तो सही आंसर ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों अमेरिका और इजराइल ने यूनेस्को की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अगला सवाल, हाल ही में जेयर बोलसोनारो ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? जेयर बोलसोनारो ने ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। सही आंसर ब्राजील। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने ओपेक से अंतिम रूप से अपनी सदस्यता वापस ले ली है? ओपेक तेल निर्यातक देशों का एक समूह है, उससे फाइनली कतर ने अपना नाम वापस ले लिया है। सही आंसर कतर। कतर जो पहली खाड़ी देश है जिसने ओपेक से अपना नाम वापस लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर भारत विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन जालंधर में किया है। जालंधर में 2019 का भारत विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे हुआ था? पंजाब के लवली प्रोफेसर यूनिवर्सिटी जालंधर में। अगला सवाल, माउंट विंसन जो कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, पर चढ़ने वाली सबसे पहली दिव्यांग महिला कौन बनी है? माउंट विंसन जो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला भारत की अरुणिमा सिन्हा बन गई है। सही आंसर है अरुणिमा सिन्हा। अगला सवाल, हाल ही में 27वां विश्व पुस्तक मेला कहाँ शुरू हुआ? हाल ही में 27वां विश्व पुस्तक मेला की शुरुआत नई दिल्ली में हुई है। सही आंसर है न्यू दिल्ली। 27वां विश्व पुस्तक मेला न्यू दिल्ली में शुरू हुआ है। अगला सवाल, एशिया कम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो किसके द्वारा जारी किया गया था? एशिया कम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसके अनुसार किस राज्य को पहला स्थान मिला है? इसके अनुसार आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला है। तो दूसरा किसको मिला है? आंध्र प्रदेश को पहला स्थान, 21 राज्यों की सूची में आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला है। दूसरा किसको मिला है, एक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला सवाल, हाल ही में SSB सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक रूप में हाल ही में राजेश कुमार चंद्र को नियुक्त किया गया है। राजेश कुमार चंद्र जो SSB के नए महानिदेशक बन गए हैं। अगला सवाल, हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसने इस्तीफा दे दिया है? विश्व बैंक के अध्यक्ष के पद से हाल ही में जिम योंग किम ने इस्तीफा दे दिया है। जिम योंग किंग ने, उसने इसका इस्तीफा 1 फरवरी 2019 से प्रभावी हो गया।
ये 2000 इसका पद 2022 तक था, लेकिन कोई कारण से 1 फरवरी 2019 से इसका इसने इस्तीफा इसका स्वीकार कर लिया गया। अगला सवाल, हाल ही में वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? हाल ही में वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक मलाला उसुबजाई ने लिखी, जो पाकिस्तान पाकिस्तान से बिलोंग करती है, और इसको 2014 में भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला सवाल, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए सेव डे मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए सेव डे मिशन के रूप में वीरेंद्र कुमार बेस को नामित किया गया है। वीरेंद्र कुमार बेस टोक्यो ओलंपिक के लिए सेव डे मिशन के रूप में नामित हो गए हैं। अगला सवाल, निकोलस मादुरो ने किस देश में दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? निकोलस मादुरो ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल की शपथ ली है। निकोलस मादुरो जो वेनेजुएला के दूसरे कार्यकाल के राष्ट्रपति बन गए हैं। अगला सवाल, किस राज्य में हाल ही में अम्मा घरे एलईडी योजना शुरू हुई है? अम्मा घरे एलईडी योजना किसने शुरू की है? उड़ीसा राज्य ने शुरू की है। इसके तहत क्या होगी? उसके तहत उड़ीसा में लगभग 95 लाख परिवारों को, हर एक परिवार को 4 एलईडी बल्ब दिया जाएगा अम्मा घरे एलईडी योजना के तहत। अगला सवाल, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन फैमिली वन जॉब योजना शुरू की है? वन फैमिली वन जॉब योजना की शुरुआत सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने की है, और पवन कुमार चामलिंग भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का भी रिकॉर्ड है पवन कुमार चामलिंग के साथ। इसके तहत सिक्किम राज्य के 12 विभागों में ग्रुप सी और डी की बहाली निकाली जाएगी, और उसको हर एक परिवार से एक फैमिली को ग्रुप सी और डी के लिए नौकरी दी जाएगी। इसके तहत शुरुआती 5 सालों में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, उसके आगे चल के इसको रेगुलर करने का प्रावधान है। अगला सवाल, कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य बना है? गरीब सवर्णों आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों को 10% आरक्षित आरक्षण देने के लिए 124वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया, उसके बाद राष्ट्रपति ने भी फाइनली हस्ताक्षर कर दिया। तो इसको लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है, और दूसरा कौन बना है? दूसरा राज्य झारखंड बना है। अगला सवाल, हाल ही में प्रीमियर बैडमिंटन लीग का खिताब किसने जीता है? हाल ही में प्रीमियर बैडमिंटन लीग का खिताब बेंगलुरु रेप्टर्स ने जीता है। बेंगलुरु रेप्टर्स ने जीता है, तो उप विजेता कौन रहा? मुंबई रॉकेट्स उप विजेता रहे, और फाइनल में बेंगलुरु रेप्टर्स ने मुंबई रॉकेट्स को 4-3 से पराजित किया। अगला सवाल, भारत महिला बॉक्सिंग के कोच के रूप में किसे नामित किया गया है? भारत महिला बॉक्सिंग के कोच के रूप में मोहम्मद अली कमर को नामित किया गया है। तो फाइनली मोहम्मद अली कमर भारत महिला बॉक्सिंग टीम के कोच बन गए हैं। अगला सवाल, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में विद्यालयों की पहली राष्ट्र खेल प्रतियोगिता 2019 कहाँ शुरू हुई? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की पहली राष्ट्र खेल प्रतियोगिता 2019 की शुरुआत हैदराबाद में हुई है। सही आंसर है हैदराबाद। आईसीसी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? आईसीसी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में मनु साहनी की नियुक्ति हुई है, मनु साहनी। और आईसीसी के हेड कौन है? आईसीसी हेड शशांक मनोहर है। अगला सवाल, हाल ही में भारत के सबसे कम आयु के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत में सबसे कम आयु के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश बन गए हैं। इसकी उम्र है 12 साल 7 माह 17 दिन में। विश्व के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर, विश्व के दूसरा सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर बना है, और भारत का सबसे कम उम्र का, तो विश्व का सबसे पहला कौन है? सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर है सर्जाई कर जैन, जो कि पहले ग्रैंड मास्टर है। अगला सवाल, भारत के कौन से पर्वतारोही 7 शिखरों और 7 ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ने वाले विश्व के सबसे कम आयु के पर्वतारोही बने हैं? सत्यरूप सिद्धांत जो है वो भारत
सत्यरूप सिद्धांत जो है, सात शिखर और सात ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं, सत्यरूप सिद्धांत। अगला सवाल, खेलो इंडिया यूथ गेम में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? खेलो इंडिया यूथ गेम में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी श्री री नटराज बन गए हैं। जो खेले खेलो इंडिया यूथ गेम का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ था? पुणे में। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा? महाराष्ट्र पहले स्थान पे और हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा। कौन सा देश ऑस्ट्रेलिया के में सभी प्रारूपों में दो पक्षीय श्रृंखला जीतने वाली पहली मेहमान क्रिकेट टीम बन गई है? हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया भारतीय महिला टीम ने भारतीय पुरुष टीम ने ऑस्ट्रेलिया में वनडे और ट्वेंटी का खिताब जीत लिया है। अगला सवाल, न्यायमूर्ति आसिफ खोखा ने किस देश के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? न्यायमूर्ति आसिफ खोखा ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले को मुगल सराय तहसील का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखने की घोषणा की है? चंदौली जिले के मुगल सराय तहसील का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो सही आंसर चंदौली। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रख दिया है। अगला सवाल, हाल ही में संसद को संसद रत्न से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस संसद को? अनुराग ठाकुर को संसद रत्न से सम्मानित किया गया है। अनुराग ठाकुर जो है वो हिमाचल प्रदेश से सांसद है। अगला सवाल, हाल ही में 15वां प्रवासी भारत दिवस कहाँ मना शुरू हुआ? 15वां भारतीय प्रवासी दिवस वाराणसी में शुरू हुआ और इस अवसर पे मॉरिशस के प्रधानमंत्री परविंदर कुमार जगनॉथ भी मौजूद रहे। अगला सवाल, खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा, दूसरे नंबर पे हरियाणा रहा। आईसीसी टेस्ट और वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप ईयर 2018 के रूप में किसे चुना गया? आईसीसी वनडे और टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 के रूप में विराट कोहली को चुना गया है और इस विराट कोहली को सर गारफील्ड ट्रॉफी 2018 मिला है। अगला सवाल, एंड्री रोजो इलिना ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? एंड्री राजो इलिना ने हाल ही में मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है और उसने 56% वोटों के साथ विजेता प्राप्त किया है और मेडागास्कर जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। अगला सवाल, आईसीसी का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? आईसीसी का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब ऋषभ पंत ने जीता है। सही आंसर है, ऋषभ पंत ने जीता है। अगला सवाल, विश्व प्रतिभा प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 80वां स्थान मिला है। अगला सवाल, प्रख्यात गुजराती कवि सीतांशु अचंद्र को हाल ही में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? प्रख्यात गुजराती कवि सीतांशु अचंद्र को हाल ही में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। सही आंसर है, सरस्वती सम्मान। अगला सवाल, हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना कब शुरू की है? प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2019 को की है। इसके तहत साल में दो बार 40 प्रवासियों की भारत के तीर्थ स्थानों की यात्रा कराई जाएगी भारत सरकार के खर्चे पे। अगला सवाल, हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन चेन्नई में किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने। अगला सवाल, एस बैंक के नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? एस बैंक के नया एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति
रवनीत गिल की नियुक्ति हुई है, सही आंसर है रवनीत गिल ने यस बैंक के नए एमडी और सीईओ का पदभार ग्रहण किया है। अगला सवाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक पुरस्कार की घोषणा की है जो आपदा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने वाले लोगों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार दिया जाएगा। अगला सवाल, किस देश के राष्ट्रपति श्री रामफोसा 2019 की गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री रामाफोसा 2019 गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे। अगला सवाल, हाल ही में भारत रत्न 2019 की किसे दिए जाने की घोषणा हुई है? भारत रत्न पुरस्कार 2019 दिए जाने की घोषणा प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को हुई है। तो ऑप्शन डी सही है, भारत प्रणब मुखर्जी भारत के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नानाजी देशमुख एक समाज सेवी है और भूपेन हजारिका संगीतकार है। अगला सवाल, सरकार ने हाल ही में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2019 प्रदान करने की घोषणा की है? सरकार ने 112 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2019 देने की घोषणा की है। अगला सवाल, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता है, जो किस देश से है? जो जापान देश से है, नाओमी ओसाका। अगला सवाल, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में 2018 हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में नारी शक्ति को घोषित किया गया है, और 2017 में क्या था? 2017 में आधार को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया था। अगला सवाल, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविक्स में जीता है, जो सर्बिया के हैं। अगला सवाल, कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील निर्माता बन गया है? तो हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील निर्माता बन गया है। अगला सवाल, विश्व भ्रष्टाचार सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? विश्व भ्रष्टाचार सूचकांक 2018 में भारत को 78वें स्थान मिला है, 78वां स्थान है। तो सबसे अच्छा देश को किसको मिला है? सबसे अच्छा देश डेनमार्क को मिला है, और सबसे ज़्यादा भ्रष्ट कहाँ है? सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार सोमालिया में होता है, सबसे कम डेनमार्क में। तो ये थे जनवरी महीने के टॉप 50 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, की प्रिपरेशन और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स।